सो हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू अवर चैनल ए एस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प। और आज बाइनोमियल थ्योरम की अगली क्लास में मैं राहुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। ठीक है, तो कल तक की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो भी आपका कोई टर्म होता है वो एनवा टर्म निकालना, और दूसरा अपन ने सीखा था कि एक्स की पावर एन का कोफिशियंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आज अपन को क्या सीखना है, आज अपन को सीखना है कॉन्स्टेंट टर्म निकालना। ठीक है, फाइंड फाइंड कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ फाइंड कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर एन। ठीक, फाइंड कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर एन, या फिर क्या लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस ए की पावर एन के प्रसार में, एन के प्रसार में क्या निकालना, कॉन्स्टेंट मतलब अचर पद निकालना, अचर पद ज्ञात करना। ठीक है, अचर पद ज्ञात करना। ठीक है, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस ए की पावर एन के प्रसार में, कई बार ऐसे पूछ सकता है अचर पद ज्ञात करो, या पूछ सकते हैं एक्स प्लस ए की पावर एन के प्रसार में, ये प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद ज्ञात करो, एक्स से स्वतंत्र पद ज्ञात करना। क्लियर? सो दो क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, दो टाइप से क्वेश्चन आपका आता है। एक आता है x प्लस ए की पावर n के प्रसार में अचर पद ज्ञात करना, या आता है x प्लस ए की पावर n के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके दो यहां से आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन यही आता है, कॉन्स्टेंट टर्म फाइंड करो बस। ठीक है, और कुछ नहीं आता कि कॉन्स्टेंट टर्म के अलावा ये लिख दे कि फ्री टर्म फ्रॉम x, ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक है, केवल कॉन्स्टेंट टर्म ही आपका आता है, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन रहता है। देखो इसका कैसे किया जाता है, वही करना है जनरल टर्म का फॉर्मूला, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर, यही फॉर्मूला होगा आपका। ठीक है, सारी वैल्यूज वही रखेंगे अपन जो होंगी, सारी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो एक्स की पावर जो भी आएगा इसमें जब वैल्यू रखेंगे वो, क्योंकि आपको आर की वैल्यू इसमें भी पता नहीं होगी। ठीक है, आर की वैल्यू इसमें भी पता नहीं होगी, एक्स की पावर जो भी आएगा उसकी कंपैरिजन अपन किससे कर देंगे, एक्स की पावर जीरो से। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स से स्वतंत्र पद चाहिए, एक्स से फ्री टर्म चाहिए। ठीक, तो एक्स की पावर जीरो से हम इसकी क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। जैसी कंपैरिजन करेंगे तो यहां से हमें क्या होगी, आर की वैल्यू मिलेगी। जब हमें आर की वैल्यू मिलेगी तो आर की वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे, आपको कॉन्स्टेंट टर्म मिल जाएगा। क्लियर, पूरी बातें बिल्कुल सेम वही है जो x की पावर n का कोफिशियंट निकालने के लिए थी, बस उसमें x की पावर जो भी हमें क्या निकालना होता था, x की पावर n का जो भी टर्म निकालना होता था उसकी x की पावर n से कंपेयर करते थे। इसमें आपको क्या निकालना है, x से स्वतंत्र पद निकालना है, अचर पद निकालना है, कॉन्स्टेंट टर्म निकालना है, तो कंपेरिजन हम किससे करेंगे, एक्स की पावर जीरो से करेंगे, बाकी पूरी चीजें वही है। ठीक है, तो अगर किसी को ये नोट करना है तो कर ले, नहीं तो क्वेश्चन अपन करते हैं अगला। करें क्वेश्चन, टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर फाइव, टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर फाइव के प्रसार में, ठीक है, के प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए, एक्स से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या फाइंड करना है अपन को, एक्स से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है, या अचर पद ज्ञात करना है, या कॉन्स्टेंट टर्म हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो भैया जल्दी से, एन इक्वल टू कितना दिया गया है आपको, फाइव, एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है, x इक्वल टू टू एक्स है, और एज इक्वल टू कितना है, माइनस का थ्री अपॉन एक्स है, और r इक्वल टू हमें पता नहीं है। ठीक है, यही सारी वैल्यूज हैं कि नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो जनरल टर्म क्या होता है आपका, व्यापक पद,
व्यापक पद या जनरल टर्म कितना होता है? जनरल टर्म होता है आपका टी आर प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। एन कितना है? फाइव। सी आर कितना है? नहीं पता। एक्स कितना? टू एक्स की पावर फाइव माइनस आर माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर आर। तो ये हो जाएगा आपका फाइव सी आर, टू की पावर फाइव माइनस आर, एक्स की पावर फाइव माइनस आर, माइनस थ्री की पावर आर और एक्स की पावर माइनस आर। बताओ यही होगा कि नहीं होगा, है ना? एक मिनट रुको जरा। कहाँ पे? ठीक, चलो। तो सिक्स सी आर, टू की पावर सिक्स माइनस आर, माइनस थ्री की पावर आर और एक्स की पावर सिक्स माइनस आर मिलके माइनस का टू आर। क्लियर? अब देखो एक्स कितना है, कहाँ है अपना? ये एक्स, और तो कहीं है नहीं। ठीक, तो एक्स की जो भी पावर है उसकी कंपैरिजन अपन किससे कर देंगे? एक्स की पावर जीरो से। ठीक है, क्योंकि एक्स से स्वतंत्र पद चाहिए, ये अपन को जीरो बनाना है। तो हो जाएगा सिक्स माइनस टू आर इज इक्वल टू जीरो, तो टू आर इज इक्वल टू सिक्स, तो आर इज इक्वल टू थ्री। आर इक्वल टू कितना आएगा आपका? थ्री आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आर इक्वल टू थ्री आया तो ये इक्वेशन इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो आर की वैल्यू थ्री आई, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रख देंगे इसकी, तो 63, तुम यहां देखो ना, 63, टू की पावर सिक्स माइनस आर मतलब थ्री, माइनस थ्री की पावर आर मतलब थ्री और एक्स की पावर सिक्स माइनस टू आर मतलब थ्री। ठीक भैया, पता है मैं, तुम यहां देखो ना, सिक्स सी थ्री, तो फैक्टोरियल सिक्स अपॉन फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल सिक्स माइनस थ्री इंटू टू की पावर सिक्स में से थ्री गया थ्री, माइनस थ्री की पावर थ्री और एक्स की पावर जीरो हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू सिक्स माइनस थ्री थ्री, तो थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है, इंटू टू टू जा फोर टू जा एट, थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन और एक्स की पावर जीरो मतलब वन, थ्री टू जा सिक्स से सिक्स कैंसिल, थ्री फैक्टोरियल से थ्री फैक्टोरियल कैंसिल, पाँच चौके बीस मल्टीप्लाई आठ मल्टीप्लाई माइनस का ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी एट जा वन सिक्सटी, ट्वेंटी एट जा वन सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय माइनस का ट्वेंटी सेवन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका सोलह सत्ते एक सौ बारह है ना, कि दो हासिल ग्यारह, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस एक तैतीस, तैतीस दस तैतालीस, फोर थ्री टी जीरो माइनस, ये आ गया आपका एक्स से स्वतंत्र पद। ठीक है, आ गया कि नहीं? देखो कहीं भी एक्स है उसमें, इसमें कहीं एक्स है नहीं, है ना, तो हो गया एक्स से स्वतंत्र पद। ठीक है, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, तो 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद अपन को ज्ञात करना था। n की वैल्यू कितनी? 6, x की वैल्यू 2x, a की वैल्यू माइनस थ्री एक्स, आर की वैल्यू पता नहीं थी। ठीक है, व्यापक पद का फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू रखी, x की वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी, सबको सेपरेट किया, x पूरा अलग करेंगे,
एक्स जो आया उसकी कंपैरिजन एक्स की पावर जीरो से करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ से अपन को आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू अपन ने इसमें उठा के रख दी, सॉल्व किया, ये आ गया आपका कांस्टेंट टर्म निकल के, कोई दिक्कत, ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो ये था आपका क्या, एक्स से स्वतंत्र पद ज्ञात करना। तो अपन ने तीन टाइप के क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए, एक आपका एनमा पद निकालना है ना, एक्स के एक्स प्लस ए की पावर एन के प्रसार में एनमा पद निकालना अपन ने सीखा, दूसरा अपन ने क्या सीखा, एक्स की पावर एन का गुणांक निकालना सीखा, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन, और तीसरा अपन ने सीख लिया कि अचर पद कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, और इन तीन क्वेश्चन में से आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आएगा। अच्छा, एक और सीखा प्रसार करना है ना, एक और अपन ने सीखा प्रसार करना कि प्रसार कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इन चार क्वेश्चन में से आपके कोई एक या दो क्वेश्चन आपके यहाँ से पक्के पक्के आते ही हैं, ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन करें इसका, अचर पद निकालने का, टू प्लस थ्री एक्स की पावर 12, टू प्लस थ्री एक्स की पावर 12 के प्रसार में, के प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद ज्ञात करो, ठीक है। टू प्लस थ्री एक्स की पावर 12 के प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद अपन को क्या करना है भैया, ज्ञात करना है, ठीक है। जल्दी से वैल्यू लिखो, r इक्वल टू पता नहीं, x इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3x और n इज इक्वल टू कितना, 12, a इज इक्वल टू 3x और n इज इक्वल टू कितना है आपका 12 है, ठीक है। एक्स प्लस ए की पावर एन कुछ भी है, जरूरी नहीं है कॉन्स्टेंट आए, कुछ भी है, ठीक। सॉल्व करें, स्वतंत्र पद भैया यार, कॉन्स्टेंट टर्म फाइंड करना है, कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइंड कॉन्स्टेंट टर्म, हो गया इंग्लिश मीडियम भाई सब, फाइंड कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। चलो भाई करें, तो व्यापक पद क्या होता है आपका, ठीक, व्यापक पद मतलब जनरल टर्म, ठीक, जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म होता है आपका टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ठीक है। तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन कितना 12, सी आर एक्स की पावर कितना 12 माइनस एक्स नहीं सॉरी हाँ एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की पावर एन माइनस आर ए की वैल्यू कितनी है 3x की पावर, क्यों नहीं आएगा ऐसे, बिल्कुल आएगा, देखो देखो जरा, ठीक। तो ये आपका 12 सी आर 2 की पावर 12 माइनस आर और 3 की पावर आर और एक्स की पावर, हमें क्या चाहिए, एक्स से फ्री टर्म चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, एक्स से बिल्कुल फ्री हो, हमें एक्स नहीं चाहिए, ठीक है। और जब एक्स नहीं चाहिए तो एक्स की पावर आर की कंपैरिजन हम किससे कर देंगे, एक्स की पावर जीरो से, ठीक है। जैसे ही कंपेयर किया तो आर इक्वल टू कितना आ गया आपका जीरो, रख दो इसमें वैल्यू, ठीक है। तो टी वन इज इक्वल टू 12 सी जीरो 2 की पावर 12 माइनस जीरो 3 की पावर जीरो एक्स की पावर जीरो, ठीक। ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल 12 माइनस जीरो
टू की पावर 12 इंटू किसी की पावर 01, किसी की पावर 01। ठीक, चलो भाई, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 इंटू टू की पावर 12। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1024 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 की पावर 12 का 2 की पावर 10 होता है 1024, और 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 0 4 आंसर। नहीं आया तुम तो बोलने की, आएगा नहीं ऐसे। ओए 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 माता आ गई। ठीक, अच्छा, अब कई लोग कह रहे हैं सर जी हमें इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ी सी आपत्ति है, तो ऐसे में आपत्ति है तो ऐसे में तो नहीं है। R इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू 3x, a इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 12, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा कितना आपका 3x प्लस 2 की पावर 12, लिख सकते ना ऐसे, प्लस में कैसे भी लिख सकते। ठीक है, लिख लो। चलो, तो n कितना 12 सी आर 3x की पावर 12 माइनस आर, ठीक, 12 माइनस आर और a की पावर r। टू की पावर, ठीक, तो 12 सी आर बात नहीं करो, देखो 3 की पावर 12 माइनस आर, x की पावर 12 माइनस आर, 2 की पावर r। ठीक, x कितना 12 माइनस आर, तो x की पावर 12 माइनस आर इज इक्वल टू x की पावर 0, सो r इक्वल टू 12। ठीक, चलो 12 सी 12, 3 की पावर 12 माइनस 12, x की पावर 12 माइनस 12 और 2 की पावर 12। 12 माइनस 12 जीरो, 12 माइनस 12 जीरो, 12 सी 12 की वैल्यू 1, 1 इंटू 2 की पावर 12 इज इक्वल टू 1024 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4096। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। प्लस में हो तो, माइनस के केस में नहीं, माइनस के केस में फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी ना ए की और एक्स की। यहां सपोज दैट ये माइनस होता तो फिर वैल्यू चेंज नहीं हो जाती। ठीक, आ गया भैया कि नहीं आया? तो जिनको इससे आपत्ति थी वो ऐसे कर लो, जिनको इससे आपत्ति सो ऐसे कर लो, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को अचर पद निकालना आ गया होगा। ठीक है, अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और सभी लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जो चैनल पे नए हैं। तब तक सभी को टाटा, बाय बाय, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।